बहराइच जिले के तहसील मोतीपुर मेहूपुरवा के ग्राम पंचायत गुलरा में पूर्व बेसिक राज्य मंत्री माननीय अनुपमा जायसवाल ने चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जनधन पेंशन, मनरेगा, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजनाएं आदि के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ ही दिव्यांग पेंशन आवास योजना, जॉब कार्ड के पात्र लोगों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर मंत्री जी का स्वागत किया। मंत्री जी ने विकास कार्यों की समीक्षा की, जिसमें बिजली विभाग के एसडीओ अब्दुल अजीज की कार्यप्रणाली पर असंतुष्टि जताते हुए सख्त चेतावनी दी कि गांव में जल्द से जल्द बिजली की लाइनों को ठीक करवाकर बिजली सप्लाई शुरू की जाए। इस कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, बिजली विभाग के एसडीओ, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, प्रधान प्रतिनिधि, भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। बरेली के सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में शिक्षकों ने प्रेरणा ऐप के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्राथमिक शिक्षक संघ, यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन, माध्यमिक शिक्षक संघ, राज्य कर्मचारी परिषद शिक्षक संघ इत्यादि ने मिलकर प्रेरणा ऐप के विरोध में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षकों ने प्रेरणा ऐप को स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि इससे हमारी निजता का हनन होगा और सरकार शिक्षकों को प्रेरणा ऐप लागू कर शक की नजर से देख रही है। सियाराम सागर जी विधायक इस क्षेत्र से रहे कई बार, विधायक सियाराम सागर जी इस क्षेत्र का नेतृत्व किया उन्होंने और नेतृत्व करते करते यहाँ के जनता के बीच में रहे, लोकप्रिय रहे और राजनीति में तो जीतना हारना लगा रहता है लेकिन उनका सम्मान जनता के बीच में कभी कम नहीं हुआ और उसी का परिणाम ये था कि कई बार यहाँ की जनता ने उन्हें सदन में भेजा, सदन में रह करके यहाँ की गरीब की जनता का उन्होंने हमेशा सेवा की, दलितों की, पिछड़ों की, अगड़े रहे हों या हमारे अल्पसंख्यक भाई रहे हों उनके बीच लगातार बने रहे। आज उनके परिवार से मिलने का मौका मिला और आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि वो बीच में नहीं रहे, हम उनको श्रद्धांजलि देने भी आए हैं और उनके सहयोगी साथियों से भी मिलने का और उनसे बात कहने का मौका मिला। मैं हालांकि रामपुर जा रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता का असली मुद्दों से ध्यान हटाने का काम कर रही है। आप बताइए, रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब पर 80 से ज़्यादा मुकदमे लग गए। जब मैं जा रहा था तो बताओ सरकार ने बकरी चोरी का मुकदमा लगवा दिया। इससे ज़्यादा बदले की भावना का कोई काम नहीं हो सकता जो सरकार के माध्यम से बदले की भावना के काम हो रहे हों। और फिर जिस बात के बारे में आप कह रहे हो, आप बताइए, गाड़ी से चल रहे हैं, गाड़ी की कीमत नहीं, उससे ज़्यादा आपको जुर्माना देना पड़ रहा है और कई प्रदेश लागू नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ हैं वहाँ पर भी कम कर दिया है जुर्माना। हम तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जुर्माने को कम करे, नहीं तो बहुत जल्दी समाजवादी लोग अपनी साइकिल लेकर के और बिना हेलमेट के, क्योंकि साइकिल पे अगर हेलमेट है तो उसमें तो शायद है नहीं कुछ। कम से कम सरकार को इस तरफ देखना चाहिए, जनता को दुखी नहीं करना चाहिए, जनता की मदद के लिए कोई कानून बनना चाहिए। सरकार बदले का भावना से काम कर रही है, कोई बकरी चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा, सवाल ये नहीं है बकरी और भैंस चोरी का, सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ी को लिखा बनाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, समाज को नई दिशा देने के लिए यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए सरकार नाराज है कि आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों ऐसी यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उन्हें मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। आपने कहा नहीं मैं कह रहा हूँ, प्रेस के लोगों, आपने नमक रोटी की कहानी बनाई थी, आप कहाँ पहुँच गए होते। हम तो कहते हैं कि आप भी सच दिखाओ,
और जब सच दिखाओगे तो आप भी जानते हो कि आपका स्थान कौन सा हो सकता है। बड़ा सवाल ये है कि लगातार पत्रकारों पे मुकदमा। हाँ ये बात क्या आक्रोशित आपातकाल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये जब ये लोकतंत्र में आपका स्थान है, आप भी एक खंबा है लोकतंत्र के, आप भी लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, सरकार को दिशा देते हैं, सरकार को समय समय पर टोकते हैं, तो आपके खिलाफ अगर हो रहा है तो राजनीति करने वाले तो कुछ भी नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि 370 हटाने के बाद बताओ वो कानून में बदलाव ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, कि ज़मीन कोई नहीं ले पाएगा वहाँ पर, ये भारतीय जनता पार्टी को साबित करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन वन टैक्सेशन, तो हम उनसे कहेंगे बताओ 371 का क्यों कह रहे हो आप? आप 371 का क्यों विरोध नहीं कर रहे हो? उन प्रदेशों में भी आप हटाइए जिन प्रदेशों में इस तरह की धाराएं लगी हुई हैं, जहां पर इस तरह के कानून हैं। और हम तो आपसे कहते हैं, आप तो पड़ोसी हो उत्तराखंड के, चलो हम और तुम ज़मीन लेने चलते हैं, बताओ तुम और हम कितनी ज़मीन ले लेंगे उत्तराखंड में? जब उत्तराखंड में नहीं ले लोगे तो इधर उधर कहाँ ताक झांक रहे हो ज़मीन के लिए? वो एक सदन का एक प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति किसी जाए वो सदन देख रहा होगा उसका। एफडीआई वाला बता दीजिए तो। एफडीआई में तो ये है कि विदेशी सब कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं बनना भारत में। हमें याद है यहाँ पर के मंत्री जी थे, उन्होंने कहा निफ्ट बनाएंगे, बरेली में निफ्ट बन गया। अगर निफ्ट नहीं बना आपके यहाँ तो कोई कारखाना लग गया रबड़ वाला, वो कारखाना बताओ मंजा बनने लगा आपका देसी मंजा। सीतारमन जी ने अभी बड़ा हास्यास्पद बयान दिया। अरे भाई, अरे वो न्यूटन तो सोचो, न्यूटन और वो आइंस्टीन क्या कर रहे हैं? भाजपा क्या बता रही है? क्या चीज देखिए, आप तो बीच में रह रहे हो, आपसे अच्छा कोई समझ नहीं रहा होगा। एक तरफ सरकार किसी को बचा रही है, एक तरफ सरकार किसी को परेशान कर रही है, आप बीच में हो, बरेली वाले हो, रामपुर में क्या चल रहा है वो आप जानते हो, शाहजहांपुर में क्या चल रहा है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा एक आखिरी सवाल। अरे बीच में रहने वाले को दोनों की पता है। एक आखिरी सवाल, सीतारमन जी ने अभी बड़ा हास्यास्पद बयान दिया है कि वो ओला उबर चलने लगी इसलिए गाड़ी नहीं खरीद रहे। मैं उनको सीताराम करता हूँ। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके में जयपुर रोड पर खेड़े मिल्क मोड़ स्थित पेट्रोल पंप पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने गुरुवार रात सेल्समैन को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पंप सेल्समैन प्रदीप शर्मा ने बताया कि रात्रि में करीब 2 बजे एक थार जीप में करीबन 6 नकाबपोश बदमाश आए और पंप के बाहर सो रहे 80 वर्षीय बुजुर्ग छोटू राम लाखरान के मुंह पर तौलिया डालकर बेहोश किया और फिर प्रदीप को बंदूक दिखाकर बाथरूम में बंद कर दिया। पंप के कमरे की चाबी नहीं देने पर लुटेरों ने कमरे का ताला तोड़कर लॉकर से 1,00,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में भाजपा के धुर विरोधी और कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल के बलिया आगमन को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल युवा चेतना द्वारा युवा संवाद का कार्यक्रम 14 सितंबर को बलिया शहर के टीडी कॉलेज के मनोरंजन सभागार में आयोजित होना था। ऐसे में कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा होने का हवाला देते हुए मनोरंजन हॉल का आवंटन रद्द कर दिया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह का कहना है कि गुजरात के युवा नेता से घबरा कर सरकार ने कार्यक्रम स्थल की अनुमति को रद्द कर दिया है। रोहित सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ये शर्त रखी है कि कार्यक्रम तभी होगा जब हार्दिक पटेल इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। अपना एक परिचय बता दीजिएगा। रोहित कुमार सिंह, राष्ट्रीय संयोजक युवा चेतना। हमने बलिया के जिलाधिकारी जी से मिलकर 14 तारीख को जो युवा चेतना द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम है, जिसके आवंटन को रद्द कर दिया गया, कार्यक्रम के स्थल को टीडी कॉलेज प्रशासन के द्वारा, हमने डीएम साहब से मिलकर गुहार लगाई कि हमें कोई स्थल आवंटित किया जाए। डीएम साहब ने कहा कि भाई जिला प्रशासन का काम स्थल आवंटित करना नहीं है, हम पुनः अब प्रशासन से परमिशन मांगेंगे और स्थल बताएंगे कि वहाँ हमको परमिशन दिया जाए कार्यक्रम करने का, और देखते हैं प्रशासन क्या करता है। जी कल बैरिया विधायक बीजेपी से बात की गई तो हार्दिक पटेल के बारे में आगमन को लेकर तो उन्होंने विरोध किया और कहा कि देशद्रोही बलिया में नहीं आएंगे, बलिया एक बागी देवर वाले। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के लोग देश के वातावरण को बिगाड़ रहे हैं।
मैं किसी निजी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी व्यक्ति के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि पश्चिम बंगाल जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है और वो तांडव पूरे देश में होता है। और आज गुजरात गांधी के प्रदेश से कोई नौजवान नेता अगर बलिया आकर अपनी बात रखना चाहता है तो उसे रोकने के लिए प्रशासन के मिलीभगत से और मुख्यमंत्री के दबाव में हमारे कार्यक्रम स्थल के आवंटन को रद्द किया जा रहा है। क्या यह निंदनीय नहीं है? अगर जवाब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अगर आपका कार्यक्रम अगर निरस्त हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आगे क्या आपकी रणनीति क्या होगी, क्या करेंगे? देखिए, अगर हमको कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए काला दिन माना जाएगा और हम इसको लेकर धरना प्रदर्शन अनशन पर निश्चित रूप से बैठेंगे। और बहुत विचित्र स्थिति देश में उत्पन्न हो गई है जहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का सरेआम हनन किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा थाना क्षेत्र में एक दरोगा और एक सिपाही ने अत्याचार की सारी हदें तोड़ दी। दोनों ने मिलकर एक युवक को अमानवीय तरीके से पीटा। वहां सैकड़ों की भीड़ थी मगर ये पुलिस का आतंक था, इसलिए कोई भी युवक को बचाने आगे नहीं आया। बताया जा रहा है कि हेलमेट को लेकर पुलिस व युवक के बीच कहासुनी हो गई थी। मामला जिले के एसपी के संज्ञान में आया और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी ने दरोगा और दीवान दोनों को निलंबित कर दिया। जयपुर सिद्धार्थनगर के खिसरा थाने के चौकी सकार पार की घटना है। जब 10 तारीख को अपराह्न में चौकी इंचार्ज वीरेंद्र मिश्रा को टेलीफोनिक सूचना मिली कि चौराहे पर रामेश्वर पांडे और रिंकू पांडे द्वारा रियाजुद्दीन से विवाद हो रहा है, तो मुहर्रम ड्यूटी में तैनात कर्मचारी महेंद्र प्रसाद को लेकर के चौकी इंचार्ज पहुँचे और वहाँ पर यही बताया जा रहा है कि रामेश्वर शराब के नशे में थे, उसी में विवाद कर रहे थे और इन दोनों अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा लातघूसों से मारपीट किया गया, जमीन पर गिरा करके और बहुत ही भद्दा प्रदर्शन किया गया, यूनिफॉर्म में थे और यह सब समाज के लिए, पुलिस विभाग के लिए बहुत ही अशोभनीय कार्रवाई थी। ये सूचना पर 11 तारीख को शाम को लाइन हाजिर कर दिया गया था, 12 तारीख को निलंबित कर दिया गया था वीरेंद्र और महेंद्र दोनों कर्मचारियों को। क्षेत्राधिकारी को सौंपी गई है जांच, आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद 14-1 की विभागीय कार्रवाई की जाएगी जिसमें बर्खास्तगी तक की कार्रवाई है। रिंकू पांडे द्वारा एक एप्लीकेशन दिया जा रहा है और उनका मेडिकल चेकअप और अन्य विधिक कार्रवाई करके लीगल कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत भिंगरी प्रधान की मनमानी का मामला सामने आया है। जहां पर प्रधानमंत्री और प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन चला रही है तो वहीं ग्राम पंचायत भिंगरी में कभी सफाई नहीं होती। ग्राम प्रधान सरकार द्वारा बनाए गए आवास के लिए ग्रामीणों से 10,000 रुपये मांगता है, वहीं शौचालय के लिए आया पैसा भी ले लिया है। कुछ शौचालय तो अधूरे पड़े हैं जिसको लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ थाना पयागपुर चौकी खोटेहना में FIR दर्ज कराई है। शरीर के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, इनको बदला नहीं जाएगा। बदला जाए तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि इस बिल को वापस लिया जाए और ये औरतों पर आदमियों पर जुल्म है, हम इसकी मांग करते हैं बिल को वापस लिया जाए। कितने रुपए मिले आपको? ये मिला 1,10,000। 1,10,000, 1,20,000 मिलते हैं। हाँ। कि 10,000 क्या हुए? का पता का है? आपसे ग्राम प्रधान ने 1 रुपए मांगे थे? 10,000 मांगे ना, लेकिन हम दीन नहीं रहे। आपके ग्राम पंचायत का क्या नाम है? भिंगरी। आपका क्या नाम है? राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग के तत्वाधान में 13 सितंबर 2019 को डूंगरी वाले बालाजी बामनवास में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत पोषण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में पोषण रैली निकालकर लोगों को प्रेरित किया गया और पोषण के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया। इस कार्यक्रम के तहत विभाग की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आशा सहयोगियों ने पोषण मेले में भाग लिया। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बैन का थरियाव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आगमन हुआ, जहां स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत कर उनका स्वागत किया। वहीं राज्यपाल ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं से विद्यालय में दी जा रही शिक्षा के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने छात्राओं द्वारा चित्रकला को देखा तथा उनकी तारीफ की। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक कार्यक्रम राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां राज्यपाल द्वारा कार्यक्रम देखने के बाद इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले बच्चों का हौसला अफजाही किया गया। ने कहा कि कस्तूरबा में जो बच्चे हैं वो एनीमिक ना हो, इसके लिए उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया जाना चाहिए, और जब तक उनका हीमोग्लोबिन 13-14% तक नहीं हो जाता है तब तक उनकी विशेष देखभाल करना चाहिए। और क्या शिक्षक लिए और सुधार लिए क्या क्या? तो उन्होंने कहा कि जो टीचर्स एंकरिंग कर रहे हैं इसके लिए हमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, और फिर हमारे बच्चे ही आगे चल के एंकरिंग करें, इसके लिए उन्होंने ये सुझाव दिया। क्या नाम है आपका? आज कौन आए थे यहाँ पे? राज्यपाल महोदय। क्या क्या बताया उन्होंने, कुछ सुना आपने? क्या बताया? सर पूछ रही थी कि खाना कैसा मिलता है, और प्रोग्राम कह रही थी कि जो प्रोग्राम लड़कियाँ की हैं उनसे सीखो और करो। अच्छा, क्या बनना चाहती हो? सर टीचर। सर मैं आपके नहीं अच्छी क्या नाम है?